हेलो दोस्तों, आज मिले एक न्यू वीडियो में आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई का। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो दोस्तों एक न्यू अपडेट अभी जो चल रहा है दोस्तों, अभी दोस्तों अप्लीकेशन स्टेटस के लेके अभी आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ है या नहीं हुआ है उसके लेके दोस्तों टेक्स्ट मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। वह अभी हम बात करेंगे टेक्स्ट मैसेज कैसा है और आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को कैसे चेक करोगे। ये दोस्तों आरआरबी जेई के लेके जिसका एग्ज़ाम आपका होने वाला है 13 दिसंबर से आपका 17 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन के लेके भी, पर जो मेन फोकस है आपका आरआरबी जेई के लेके हम बात करने वाले हैं। अब देख सकते हो अगर आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो गया है तो आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा। इसी प्रकार आप देखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन यहाँ पर फॉर द CEN। आप देखोगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है डेट विद एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, और हैज़ बीन द प्रोविजनली एक्सेप्टेड आप देखोगे फ्रॉम द आरआरबी। आप देख सकते हो ये दोस्तों आरआरबी जेई के लेके है। आप देख सकते हो सबका तो टेक्स्ट मैसेज आने लगा कि आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया। अगर आपका नहीं आया तो समझो आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और अपने आईडी को लॉगिन करके आप चेक कर पाओगे। अब हम बात कर रहे हैं कैसे चेक करोगे जो आपका एक्सेप्ट हुआ है, तो सबसे पहले आपको आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पर मैंने आईडी को लॉगिन कर दिया है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और यहाँ पर देखो कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ द यहाँ पर रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेके है यहाँ पर देखो। फिर आपको इसको नीचे होगा, जैसे नीचे जाओगे यहाँ पर देखो मिल जाएगा देखने के लिए माई एप्लीकेशन। आपने जितने भी फॉर्म फिल किया होगा सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। अब यहाँ पर आप देखो, अभी हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई के लेके। आप जेई के लेके आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंजीनियर जेई के लेके। आप देखोगे पोस्ट नेम आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब यहाँ देखो एप्लीकेशन स्टेटस में देखना, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए प्रोविजनली एक्सेप्टेड। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में देखोगे यहाँ पर एक्सेप्टेड का दोस्तों आ गया, और यहाँ पर आपको पेमेंट ये आप जो अपने किया था उस समय का ये सक्सेस है। पर अभी दोस्तों जो टेक्स्ट मैसेज आया है तो उसके लिए आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस जो हुआ है एक्सेप्ट हो गया प्रोविजनली, आप यहाँ देखोगे आपका हो गया है। अगर आपका नहीं हुआ है तो दोस्तों आपका भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इसी प्रकार आप देख सकते हो जिसका नहीं हुआ है आपको इसी में मिल जाएगा देखने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देखोगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अभी कोई टेक्स्ट मैसेज सब नहीं आया है, तो आप देखोगे यहाँ पर अभी आपका ऐसी डॉट रहेगा यहाँ पर देख सकते हो। और लोको पायलट का आपका हो गया तो यहाँ पर प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो जाएगा, आप देख सकते हो ऐसे ही है। अब दोस्तों एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड आपका जो आएगा एग्जाम से 4 से 5 डेज पहले ही आएगा। इससे पहले आपको फिर एप्लीकेशन स्टेटस में आपको व्यू देख पाओगे कि जब आपका सेंटर कहाँ पड़ा है और किस डेट को पड़ा है। तो एडमिट कार्ड के लिए आपको 4 से 5 डेज पहले डाउनलोड करने को मिलेगा। जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिल जाएंगे। आइए भी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।